व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में इस बिग साइज मार्केट बैग का हैंडल बनाने का ट्यूटोरियल देखेंगे। इस बिग साइज मार्केट बैग 3 रोल यूज करके मैं बनाई हूँ। इस बैग बनाने का ट्यूटोरियल आपका चाहे तो ऊपर का लिंक को क्लिक कीजिए। इस बैग का साइज लेंथ में 15 इंचेस है, हाइट में 12 इंचेस है, विड्थ 5 इंचेस है। इस तरह बैग आपका चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे चैट करके ले लीजिए। इस तरह बिग साइज बैग के लिए मैं बिग साइज में हैंडल बनाई हूँ। स्टफ वायर यूज करके इस हैंडल में बनाई हूँ। बैग में ज्यादा वेट डालकर ले जाने का इस तरह स्टफ वायर हैंडल ही अच्छा है, उसीलिए इस तरह बिग साइज बैग को स्टफ वायर हैंडल बनाइए। बहुत कम वायर में से इस तरह हैंडल आप बना सकते हैं। इस वीडियो में इस तरह हैंडल बनाने का सारे बेसिक्स मैं बताई हूँ, उसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, जरूर फुल देखिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाने का ना भूलिए। इस वीडियो आपका यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलिए बिग साइज बैग का हैंडल बनाने का ट्यूटोरियल देखेंगे। इस तरह हैंडल बनाने के लिए मैं 2 टाइप्स वायर कट करी हूँ। ऐसा कलर वायर मैं स्टफ के लिए कट करी हूँ। इसका लेंथ 4 फीट है, 5 वायर्स में कट करी हूँ। आपको हैंडल का थिकनेस अभी होना चाहिए तो अभी 2 वायर्स भी ले सकते हैं। ये अंदर का थिकनेस वजह से इस तरह स्टफ वायर यूज कर सकते हैं। इसके बाद पिंक एंड ग्रीन कलर में 2 वायर्स कट करी हूँ। इसका लेंथ 9 फीट है। मैं बहुत सारे हैंडल वीडियोस बनाई हूँ, उसका लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, ऑल प्लास्टिक वायर हैंडल्स प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। सेंटर नॉट का राइट साइड में 4 नॉट्स के बाद अंदर इंसर्ट कर लेना है। 5 वायर्स भी लेकर अंदर इंसर्ट कीजिए। ऐसा 5 वायर्स भी इक्वल रख लीजिए। ऐसा 4 नॉट्स के नीचे ऐसा इंसर्ट करके बाहर निकाल लीजिए। क्रॉस नॉट का 1 होल के अंदर इंसर्ट करके और 1 होल में बाहर निकाल लीजिए। 5 वायर्स भी 1 होल के अंदर पुल करके बाहर निकाल लीजिए। 10 वायर्स भी इक्वल रख लीजिए। इस तरह लेकर 10 वायर्स भी इक्वल रख लीजिए। बाद में पिंक एंड ग्रीन वायर्स को लेकर सेम प्लेस में अंदर इंसर्ट करके बाहर निकाल लीजिए। इस 4 वायर्स भी इक्वल रख लीजिए। बाद में इस ऊपर का वायर को अरेंज कर लेना है। पहले सेंटर का ग्रीन वायर को लेकर एक शेप में रख लेना है। बाद में पिंक कलर वायर उसके ऊपर रख लेना है। बाद में राइट साइड का पिंक कलर वायर को नीचे रख के बाद में ऊपर रख लेना है। इस तरह पहले अरेंज कर लीजिए। अब इसमें देखिए राइट साइड 2 वायर है, लेफ्ट साइड 2 वायर है, स्टफ वायर नीचे है। अब राइट साइड का ग्रीन कलर वायर को लेकर पीछे ले जाना है। इस तरह पीछे लेकर लेफ्ट साइड का 2 वायर का बीच में लेकर फिर भी राइट साइड में ही रख लेना है। स्टफ वायर को नीचे ले जाकर इस तरह बनाना है। बाद में लेफ्ट साइड का नीचे का वायर को लेकर पीछे ले जाना है, स्टफ वायर के पीछे भी ले जाना है। इस तरह पीछे लेकर राइट साइड का दोनों वायर का बीच में लेकर फिर भी लेफ्ट साइड में ही रख लेना है। इस तरह बनाना है। इस तरह हैंडल बनाने का बहुत आसान है, इस तरह कंटिन्यूसली बनाते जाना है। इस तरह 2-3 नॉट्स बनाए बाद इस हैंडल को बैग्स के अंदर इंसर्ट करके जॉइन कर लेना है, तभी हैंडल स्ट्रेट रहेगा। अब देखिए जॉइन करने का तरीका मैं बताती हूँ। अब 3 नॉट्स में बनाई हूँ। इसके बाद हैंडल को बैग के साथ अटैच करेंगे। यहाँ देखिए राइट साइड में 2 वायर्स है, लेफ्ट साइड में 2 वायर्स है। इसमें देखिए लेफ्ट साइड का नीचे का पिंक वायर में नेक्स्ट नॉट बनाना है। उस पिंक वायर को लेकर बैग के अंदर इंसर्ट करके नेक्स्ट को वायर निकालना है। इस तरह निकाले बाद इस 2 वायर्स का बीच में लेकर
फिर भी लेफ्ट साइड में ही रख लेना है। इस तरह नॉट बनाना है। बाद में नेक्स्ट नॉट सेम पहले बनाए जैसा बनाना है। राइट साइड का वायर को लेकर दो वायर्स का बीच में लेकर फिर भी राइट साइड में ही रख लेना है। इस तरह कंटिन्यूसली आप बनाते जाना है। सेम मेथड यूज करके सारे स्टफ वायर में भी नॉट बनाना है। मैं सारे वायर्स भी बनाए बाद बताती हूँ। अब मैं यहाँ तक नॉट्स बनाई हूँ। इसके बाद सारे वायर्स को भी अंदर इंसर्ट कर लेना है। देखिए यहाँ से फोर नॉट्स के नीचे पहले स्टफ वायर को अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में ऊपर का वायर को अंदर इंसर्ट करे बाद अंदर नॉट बनाकर नॉट्स के अंदर इंसर्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा वायर्स को कट कर लेना है। इस तरह स्टफ वायर हैंडल बनाइए। इस वीडियो में आपको कुछ डाउट रहा तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो आपका यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।